समाज की समस्या का, दुनिया भर का समस्या का ठेका लेते हैं और हमारा व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन दिन दिन गिरता हुआ कमजोर होता हुआ चला जाता है। दूरदर्शा है अगर हमारे भीतर आए, शालीनता हमारे भीतर आए, सज्जनता हमारे भीतर आए, अध्यात्मिकता हमारे भीतर आए, उत्कृष्टता हमारे भीतर आए, तो मैं आपसे ये कहूँ कुंडली आपकी जग गई। इन सब कुंडली तो ऐसी होती है, सापन सी होती है। हाँ, सापन सी होती है। सापन क्या होती है? हमारी अधोमुखी वृत्तियाँ यही सापन है, यही हमको खा रही है, यही हमको नष्ट कर रही है। अगर हमारी वृत्तियाँ, यही वृत्तियाँ जो सापन बनी बैठी हैं ऊपर चली जाएँ, अगर यही वृत्तियाँ हमारी मस्तिष्क में काम करने लगें, ज्ञान के रूप में काम करने लगें, तो यही सहस्त्रार कमल के रूप में, सहस्त्रार कमल के रूप में, शेषनाग के रूप में, और यही शेषताई विष्णु भगवान के रूप में ये वृत्तियाँ दिखाई पड़ सकती हैं जो नीचे सापन बन के बैठी हुई हैं। यही बेटी अलंकारी रूप समझाते हैं। तो महाराज जी, मस्तिष्क में कोई सांप नहीं है बेटी। हमने तो एनाटॉमी के हिसाब से कई बार दिखवाया कि सांप आप कोई चक्कर है, तो यहाँ तो कोई सांप आप दिखाई नहीं पड़ा। और टट्टी के रास्ते में भी दिखवाया हमने कोई, तो भाई साहब यहाँ कोई सांप नापन बैठी है, कोई सांप नापन नहीं। ये अलंकार है बेटी, अलंकार है हमारी मनोवृत्तियों का, ये चित्रण है तस्वीर के रूप में कि हमारी मनोवृत्तियाँ निम्नगामी अधोगामी जहर से भरी हुई, यही कुंडलनी का रूप है। और यही जब हमारे मस्तिष्क में अर्थात ज्ञान क्षेत्र में जब सांपन, यही सांपन ऊपर चली जाती है, तो यही सांपन क्या बन जाती है? यही सांपन शंकर जी भगवान का सांप बन जाती है, जो शंकर जी के गले में लिपटा रहता है। और यही हमारी वृत्तियाँ शेषताई विष्णु भगवान के बन जाती हैं, जिसमें विष्णु भगवान सोया करते थे और सांप नीचे पड़ा रहता था, सांप पैर खिलोल करते रहते थे। यही हमारी अंतःवृत्तियाँ हैं बेटे, कुछ नहीं। हमारे दो चीज़ें मिली, दो चीज़ें मिली, विवेकशील जीवन मुझे मिला। हमेशा ये विचार करता रहा, हमेशा ये विचार करता रहा, जब भी मेरे मन में एकांत में बैठा, मुझे क्या करना होगा और मेरी अपनी जीवन संपदा का क्या उपयोग करना पड़ेगा, लोग के लिए मेरे उत्तरदायित्व तो क्या है, देश धर्म और समाज संस्कृति के लिए उत्तरदायित्व तो क्या है। मेरे जीवात्मा ने मुझसे ये सवाल पूछे और मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की। लोगों ने ये भी पूछे, आपका बेटी के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, बेटे के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, शरीर के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, ये भी हमने समझे। जो हमारे उत्तरदायित्व हम निभाते हैं, लेकिन निभाने के साथ साथ में जो दूसरे वाले बड़े उत्तरदायित्व हैं, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते, संतुलन बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं, संतुलन बनाते हुए मित्र हमने इतनी जिंदगी पार कर ली है। और अपनी कुंडली और हमारी शक्तिपात जो हमारे गुरु ने हमको दिया था, उसको भी चरितार्थ करके दिखाया, सार्थक करके दिखाया कि अपना व्यक्तिगत वर्णन आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आपको भी कभी महानता का मार्ग ग्रहण करना हो, वास्तव में ही आपको ईश्वर भक्त बनने की इच्छा हो और वास्तव में ईश्वर का सार्थक अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा हो, तब आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको शक्तिपात जगाने की जरूरत पड़ेगी और कुंडलनी जगाने की जरूरत पड़ेगी, और आप अपने गुरु से, सदगुरु से, जो आपके अंतरात्मा में विद्यमान है। बाहर वाले व्यक्ति तो नमूने हैं, मॉडल है बाहर वाले व्यक्ति, असल में 24 घंटे रहने वाला सदगुरु हमारे अंतरात्मा में रहता है, और वही जब कभी जागृत हो जाता है तभी हमारे सौभाग्य का उदय होता है, वही हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमारी सहायता करता है, वही हमको शक्ति देता है, उसी के सहारे पर हम चलते हुए चले जाते हैं। बाहर के आदमी क्या शक्ति देंगे? बाहर के आदमी कब कब मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी उनकी राजी होती है कभी नहीं राजी होती। बाहर वाले पर हम कहाँ तक डिपेंड कर सकते हैं?